श्रीलंका ने भारत को वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में 110 रनों से हरा दिया। श्रीलंका ने इस जीत के साथ ही सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया। श्रीलंका ने भारत को दूसरे मैच में भी हरा दिया था, जबकि पहला वनडे टाई हो गया था। श्रीलंका ने कोलंबो में बुधवार को पहले बैटिंग करते हुए 248 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया 138 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। श्रीलंका के लिए यह जीत ऐतिहासिक रही। उसने 27 सालों के बाद भारत को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हराया। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 35 रनों की पारी खेली। वॉशिंगटन सुंदर 30 रन बनाकर आउट हुए। कोहली 20 और रियान 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। श्रीलंका के लिए दुनीत वेल्ला लगे ने 5 विकेट झटके। उन्होंने 5 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए। वहीं तीक्ष्णा और वेंडरसे ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने अधिकतर बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में फ्लॉप साबित हुए। रोहित शर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की। उन्होंने 20 गेंदों में 35 रन बनाए। इस दौरान 6 चौके और 1 छक्का लगाया। शुभमन गिल 6 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 18 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके लगाए। ऋषभ पंत महज 6 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अक्षर पटेल 2 रन और रियान पराग 15 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान के साथ 248 रन बनाए। इस दौरान अविष्का फांडे ने शानदार बैटिंग की। उन्होंने 102 गेंदों का सामना करते हुए 96 रन बनाए। वहीं फर्नांडो ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए। पथुम निसंका ने 45 रनों की पारी खेली। उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। कुशल मेंडेस ने 59 रनों की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके लगाए और भारत के लिए सबसे विकेट रियान के लिए सबसे ज़्यादा। उन्होंने 9 ओवरों में 54 रन बनाए और 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव की अगर बात करें तो उन्होंने 10 ओवरों में 36 रन देकर 1 विकेट लिया। वॉशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज को भी 1-1 विकेट मिला। अक्षर पटेल को भी एक सफलता हाथ लगी। 100 न्यूज़ की रिपोर्ट।